झांसी में श्री कृष्णा प्रणामी स्कूल में राज्य स्तरीय बुरास प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को हुआ। प्रदेश भर से आए बुरास खिलाड़ियों ने अपने प्रतिभा का हुनर दिखाते हुए दांव पेच लगाते हुए पदक जीते। ओपन प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ समाज सेवी डॉक्टर SS मान ने किया। बुरास प्रतियोगिता में अनेक रोचक मैच देखने को मिले। जानकारी देते हुए संस्था के प्रधान राजपाल यादव ने बताया कि बुरास खेल भारत में नया है और अभी ये खेल केवल एशियन खेलों में ही शामिल है, लेकिन 2028 के ओलंपिक खेलों में भी इसके शामिल होने की संभावना है। ऐसे में इस खेल के प्रति युवाओं में क्रेज पैदा करने के लिए हरियाणा बुरास एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है। बुरास एसोसिएशन के उप प्रधान डॉक्टर शक्ति सिंह ने कहा कि बुरास जूडो जैसा खेल है, लेकिन ये स्टैंडिंग गेम है। इस खेल को पहली बार पिछले एशियन गेम्स में शामिल किया गया था और पहली बार में ही भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 मेडल जीते थे। पूरे हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट की टीमें हमारे यहाँ पहुँची हैं। आप देख रहे हो हर किलोग्राम वर्ग की, छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक, हैवी वेट तक ये टूर्नामेंट हो रही है। ये एक नया गेम है कुरास, हमने पहली बार यहाँ हमारे स्कूल में स्टार्ट किया है। अब की बार कोच हैं कुलवंत जी, उन्होंने इसमें बच्चों में थोड़ा सा टैलेंट जगाया, हम भी इस गेम की तरफ चले हैं। तो पहली बार ही हमने निर्णय किया कि हम पूरे हरियाणा की चैंपियनशिप यहाँ आयोजित करवाएं। आपके स्कूल भी की टीम भी है इस खेल में? हमारे स्कूल के बच्चे भी हैं। तो इस खेल में जैसे आप बता रहे हैं कि अभी ये ओलंपिक वगैरह में है खेल? हाँ, ओलंपिक में ले लिया गया इस गेम को, 2028 के ओलंपिक्स में ये गेम उसमें शामिल हो जाएगा। एशियन गेम में शामिल है और इस गेम में एक अलग टैलेंट आता है बच्चों में, विशेषकर हमारी बच्चियों में, सेल्फ डिफेंस का। जैसे आप देख रहे हो पकड़ के गिराना, कोई पकड़ लेता है, इस तरह की मतलब कि ऐसा टैलेंट बच्चे में होना चाहिए आत्म सुरक्षा के लिए। जो हरियाणा की एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी हमारे साथ। सर, जो क्रॉस चैंपियनशिप है ये हरियाणा में, कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं इसमें? 18 जिलों की टीमों ने भाग लिया है। लगभग 350 खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने भाग लिया है। और ये जो यहाँ पे जूनियर और सीनियर दोनों कैटेगरी की स्टेट चैंपियनशिप है, इसमें जो खिलाड़ी यहाँ फर्स्ट आएंगे वो नेशनल के लिए चुने जाएंगे, हरियाणा की तरफ से वो खेलेंगे। सीनियर में जो खुराश जो खेल होता है इसमें अलग क्या है, जैसे जूडो और ताइक्वांडो जैसा नज़र आता है देखने में? ये जूडो का स्टैंडिंग पार्ट ही है, उससे अलग कुछ नहीं है। इसमें स्टैंडिंग है, जूडो के अंदर ग्राउंड और स्टैंडिंग दोनों है। ये उसी तो का इतिहास कितना पुराना है, कहाँ से शुरुआत हुई इस खेल की? इस खेल की शुरुआत उज्बेकिस्तान से हुई और वहाँ ये नेशनल गेम है उज्बेकिस्तान का। और हमारे भारत में सरी जगदीश टाइटलर जी इसको लेके आए थे 1998 में, 21 साल हो गए। तो जगदीश जी इसको लेकर आए थे, फिर हमारे चेयरमैन हैं जगदीश टाइटलर जी अब, और रमेश पोपली जी प्रधान हैं हमारी जो इंडियन क्रॉस एसोसिएशन है उसके, और श्री रवि कपूर जी और श्री वो हमारे जनरल सेक्रेटरी तो हैं। हरियाणा में इस खेल की शुरुआत कब से हुई? कोई हरियाणा के बड़े खिलाड़ी इस खेल से जुड़े हुए कौन से हैं? इसमें मंजीत नांदल जो कि सब इंस्पेक्टर है हरियाणा पुलिस में, वो भीमावाड़ी भी हैं जूडो में, वो भी अभी यहाँ भी आए हुए हैं, यहाँ भी खेले हैं, वो यहाँ भी उनका गोल्ड आया है। और वो अभी गुड़गांव सिटी थाने के अंदर तैनात हैं, वो भी हैं यहाँ। और मीना है हरियाणा पुलिस से है, सभी डिपार्टमेंट के खिलाड़ी खेलते हैं। मतलब ये काफ़ी पुराना खेल है इससे जुड़े हरियाणा के अंदर 2009 से खेला जा रहा है। इस खेल में कोई ओलंपिक में है ये खेल? कॉमनवेल्थ ओलंपिक में नहीं, ये एशियन गेम में है। 2018 का जो एशियन गेम हुआ था उसमें ये पहली बार शामिल हुआ था। उसमें हमारे इंडिया के 2 मेडल आए थे, पिंकी बलारा का सिल्वर मेडल और मालपरभा का ब्रॉन्ज मेडल। तो अभी ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में कुछ ऐसे संभावना है इस खेल को शामिल करने की? 2028 वाले ओलंपिक में संभावना है कि ये शामिल हो जाएगा। और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे एशियन गेम में 4 खिलाड़ी गए थे हरियाणा के, और उनको 7.5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। ठीक है सर, शुक्रिया सर। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।